धनवानों सुन लो, बंगले वालों सुन लो, कोठी वाले सुन लो, पोते पोती वाले सुन लो, बेटा बेटी वाले सुन लो, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तेरा दान काम आएगा, तेरा पुण्य काम आएगा, तेरा धर्म ही साथी तेरा है, धर्म साथी है। जिसका जीवन में धर्म है वह सबसे बड़ा मित्र है। और जो मित्र आपको भगवान के धाम में ले जाए, भगवान के कथा में ले जाए, भगवान की कीर्तन में ले जाए, भगवान का नाम जप करना सिखाए, वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा शुभचिंतक है, वेल बेसर है। जो भगवान के कार्यों से, क्रियाकलापों से, दान से, पुण्य से, धर्म से तुझे वंचित करता है, तुझे रोकता है, तुझे टोकता है, ना ना उस गुलजारे में मत जाना। क्या रखा है? कुछ नहीं है इन सब चीजों में, बेकार की चीज है। बहुत लोग हैं ऐसे रोकने वाले, टोकने वाले, उनकी बातों में कभी मत आना, कभी ना। वो आपका जीवन बिगाड़ना चाहते हैं। सच तो यही है, संसार में सत्य ही है, सत्य है, सत्य 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 है। लास्ट में भी जब घर से लेके जाते हैं तब भी सत्य सत्य बोलते जाते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ वास्तव में राम का नाम सत्य है। उससे पहले तो समझ में नहीं आया, उससे पहले समझ आ जाता तो फिर बात ही क्या। प्रभु का नाम सत्य है, सत्य की ओर चलने वाला अपनी गति को प्राप्त करता है। महाभतिम सूत जी ने सोनकादिक ऋषियों का इन छह प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रदोक्ष जे अहि तो क्या प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। सुजी ने कहा सुनका दिक ऋषियो, जैसे मनुष्य के लिए धर्म श्रेष्ठ है, जिस मनुष्य को भक्ति चाहिए, जिसे भगवान के गलियारे में जाने का अवसर चाहिए, ऐसे लोगों को केवल केवल भगवान की शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। केवल गोविंद शरण में जाओ, जिसको गति चाहिए, जिसको वैकुंठ चाहिए, जिसे भगवान का प्रेम चाहिए, जिसे भक्ति चाहिए, उसे केवल भगवान की भक्ति करें। भगवान की ओर जाने के लिए जीव को होना कैसा चाहिए, कैसा हो? भगवान की ओर जाने के लिए मनुष्य को निर्मल होना चाहिए। आपकी भक्ति में कोई सकामता ना हो, निष्काम भक्ति वाला ही भगवान की ओर पहुंचता है। निष्काम भक्ति हनुमान जी ने की, हृदय में जगह पाई। बनाने हो तो हृदय में जगह बनाओ ना, दिल में जगह बनाओ, घर में नहीं, दिल में। भगवान की दिल में जगह बनाई हनुमान जी ने, भगवान के दिल में जगह बनाई विभीषण ने, भगवान के दिल में जगह बनाई मीरा ने, भगवान के दिल में बनाई जगह विभीषण ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, कर्माबाई ने, सदन कसाई ने, कितने नाम गिनाए, जिनकी भक्ति में कोई सकामता नहीं है, जिसकी भक्ति में कोई काम नहीं है, कोई मांग नहीं है,
वही भक्ति भगवान को प्रिय है और ऐसी भक्ति करने वाले को ही परमात्मा मिल जाते हैं। गोपियां भगवान का चिंतन करती निष्काम, कोई सकाम काम नहीं था, कोई भी काम नहीं था, हमें हमारा गोविंद मिल जाए, हमें गोविंद के केवल दर्शन मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। गोविंद की दर्शन की लालसा में वो गोपियां निरंतर यमुना किनारे पर बैठती, गोविंद आ रहे होंगे और वो गाय चरा करके जब यमुना जी के किनारे से गुजरेंगे तब उनका हम दर्शन कर लेंगे। लालसा कृष्ण दर्शन की कि और लालसा नहीं है। ये संसार की लालसाएं मन को भ्रमित करती हैं, भगवान के दर्शन की लालसा मन को एकाग्र करती है। एकाग्र, जिसका मन एकाग्र होगा ना उसी को ही तो भगवान मिलेंगे नहीं कि मिलेंगे। जिसका मन अपना काबू में नहीं है तो उसे भगवान खाक मिलेंगे। मन को काबू में करने के लिए आपको करना क्या, केवल निष्काम भक्ति, कोई मांग नहीं। भक्ति में अगर तुमने भगवान कुछ से कुछ मांग लिया तो आपकी भक्ति पर दाग लग जाएगा। भक्ति पर दाग लग गया तो आपकी भक्ति फलवती नहीं होगी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।